मैंने 20 वर्षों तक सैनिक के रूप में देश की सेवा किया है और यहाँ देखा कि हमारा भाई कारगिल शहीद था। यहाँ के नेताओं ने कारगिल शहीद जैसे सैनिक के ऊपर भी राजनीति किया, तो हमने देखा राजनीति गंदी हो चुकी है, इसलिए हमने अपनी नौकरी को छोड़ के राजनीति में आने का संकल्प लिया और अन्ना जी के मार्गदर्शन में हमने राजनीति की शुरुआत किया। अरविंद जी के नेतृत्व में आगे हम राजनीति करना चाह रहे हैं। प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र में कोई भी औद्योगिक कारखाना नहीं है। जो भी एक बहुत पुराना यहाँ ट्रैक्टर फैक्ट्री थी ATL की, उसको भी बेच दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ कोशिश किया जाएगा कि केंद्र सरकार की अनुमति से, लागत से, पैसे से यहाँ पे कोई कल कारखाना शुरू किया जाए, जिससे यहाँ के रोजगार मिल सके लोगों को। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर चुका है। यहाँ की सपा सरकार हो या बसपा सरकार हो, कांग्रेस की केंद्र सरकार हो, शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे नवयुवक जो डिग्री लेते हैं उसके बाद उनको कोई भी काम आगे नहीं मिलता है। उसको सुधार के लिए, निचले स्तर तक बढ़ाने के लिए जो उनकी सुविधाएं होंगी उसको प्रोवाइड कराने के लिए काम करेंगे। बिजली और पानी और सड़क की हालत बहुत खस्ता हाल है यहाँ पे। कल अभी हम कैंपेन करने गए हुए थे सैफाबाद के तरफ में, तो गाड़ियाँ वहाँ ऐसा लग रहा था जिस तरीके से मालगाड़ी का डिब्बा होता है ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे, वो गाड़ियाँ थी। और 15 साल से वहाँ के स्थानीय विधायक बता रहे हैं कि हमने यहाँ 15 साल विकास किया है, विकास के नाम पे उन्होंने अपना विकास किया है, ना कि सड़क का, ना कि वहाँ के स्थानीय मुद्दों का। महिलाओं का विकास सबसे पहले शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा, महिलाओं की हर जगह भागता होगी और उससे महिलाओं का विकास होगा। उसके लिए जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको ऊपर से शुरू होके और निचले स्तर तक पहुंचाने में पूरी योगदान किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ बड़ा वादा ये है कि जो दो तीन यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, जैसे किलबिला का पुल है, इस पुल की वजह से प्रतापगढ़ की जनता के साथ साथ जो आसपास के लगे हुए जिले हैं उनको भी बहुत आर्थिक नुकसान होता है, बहुत टाइम का नुकसान होता है। बहुत कुछ यहाँ पे हुआ है जिसमें बहुत सारे बच्चों का जन्म हो गया है उस पुल के ऊपर में, फाटक इतना देर बंद रहता है, तो सबसे प्रथम तो वो है। उसके बाद यहाँ के कुछ स्थानीय मुद्दे हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा। हम वोटरों के बीच में जाते हैं और ये बताते हैं कि जीत हमारी नहीं होगी, जीत आपकी होगी, हार हमारी नहीं होगी, आपकी होगी। हमारे खानदान के अंदर, हमारे परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति राजनैतिक नहीं है। हमने देश सेवा किया है, हमारे फादर 32 साल तक फौज में रहे हैं, हमारा भाई कारगिल शहीद है, मैं सैनिक के रूप में 20 साल तक देश सेवा किया हूँ, तो मुझे कोई राजनैतिक इच्छा नहीं है कि मैं कुर्सी पे बैठने के लिए जा रहा हूँ। हम समाज सेवा करने के लिए राजनीति में जा रहे हैं।